से फ्री है, एंट्री का कुछ साधन नहीं है, आप आके अच्छा। एंजॉय कर सकते हैं। वो वीडियो देखती हो मेरी? अरे वाह वाह वाह। चलो भाई ऊपर का भी आपको दिखाता हूँ। पार्टी मनाना हो तो इसमें डेकोरेशन भी ऑलरेडी है, इसको कहते हैं चंपा गली, यहाँ पे शूट भी बहुत हुई, आपका लवाज के शूट भी हुई है। अच्छा, कोई बंदा अगर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आए तो सर उसके लिए हम प्राइवेट स्पेस भी करवा देते हैं। और ऊपर का भी आपको दिखाने वाला हूँ। दिल्ली में गोवा जैसी वाइब चाहते हो? अच्छा भाई चंपा गली आ जाओ, यहाँ पर जो कपल्स वगैरह बैठ सकते हैं, यहाँ पर खा पी सकते हैं, यहाँ पर गर्लफ्रेंड है भाई लेके आओ ना, सच में भाई इतना खुश हो जाएगी भाई कसम से भाई, बस बता नहीं सकता भाई। नजारा आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो जैसे आप फोटो शूट वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर चंपा गली के नाम से एक कैफे, जस्ट थोड़ा सा आगे आएंगे तो मैं एंट्री वगैरह सब फ्री होगी। अच्छा राहुल भाई सिंगिंग कितने साल से कर रहे हैं? सालों की 2014 से 14 से, यानी कि पूरे 10 साल हो गए। यहाँ पर आप सेल्फी पॉइंट बना हुआ, आप सेल्फी वगैरह भी ले सकते हैं, आप काफी लाइटिंग वगैरह यहाँ से सारी स्टार्टिंग होती है। तो वेलकम टू माइनी ब्लॉग, सो फाइनली स्वागत है आप सभी का मेरे को नए ब्लॉग में। तो गाइस आज के ब्लॉग में मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ भाई दिल्ली की फेमस चंपा गली की नाइट लाइफ। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी को बता दूं, कुछ लोगों ने ये नाम पहली बार सुना होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ भाई दिल्ली के अंदर चंपा गली जो की बहुत ज्यादा फेमस है और जहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा भाई, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, कैफे हो गया, बार हो गया, डांस, म्यूजिक, क्लब वगैरह, ये सारी चीजें आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। तो वहीं की आप सभी को नाइट लाइफ दिखाने वाला हूँ एंड वहाँ का रात का माहौल दिखाऊंगा जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। दिल्ली के साकेत के जस्ट साइड में पड़ता है एक गाँव है, इस गाँव का नाम है जेदुलाबाद। जी अगर जैसे की आप सभी को बता दूँ, जस्ट साकेत की साइड में ही पड़ता है और वहाँ पर ही चंपा गली बहुत ज्यादा फेमस है। तो अच्छी तरह से वहाँ की नाइट लाइफ आप सभी को दिखाने वाला हूँ, तो देखते हैं आज की मेरी नाइट लाइफ कैसी जाती है। तो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहना। तो चलो फटाफट से निकलते हैं साहब अपनी मेट्रो की तरफ। चलो भाई अपनी मेट्रो आ चुकी है, तो बहुत ज्यादा क्राउड है। चलो भाई चलो चलो, चलो भाई भाई कैसा बैठे आ चुका हूँ बोटेनिकल गार्डन, यहाँ से अब मुझे मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी बहुत फास्ट के लिए। 15 डोर मैं सीधा आ चुका हूँ होजकास, यहाँ से जाना है अभी मुझे येलो लाइन के लिए। अपनी ट्रेन आ चुकी है साहब, इतनी भीड़। चलो 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 भाई। तो अभी सीधा होजकास से साकेत मेट्रो स्टेशन पर आ चुका हूँ, अगला स्टेशन जो है मालवीय नगर का, उससे दूसरा स्टेशन हमारा साकेत का पड़ जाता है। तो भाई गाइस ये है साकेत का गेट नंबर 2। अभी जस्ट मैं यहाँ से बाहर निकल चुका हूँ और जैसे आप सामने देखेंगे तो सामने का यहाँ का आपको कुछ इस तरीके का नजारा दिखेगा। तो मैं तो यहाँ से पैदल जाने वाला हूँ क्योंकि चंपा गली यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 600 मीटर की दूरी पर है। तो चलो चलते हैं फटाफट से। देखिए आप देख पा रहे जस्ट साइड में ही मेट्रो के स्टेशन के आपको ये सारा देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑटो वगैरह भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं अगर आप ऑटो से जाना चाहते हैं। साधु इधर से लेफ्ट साइड में जो है मेट्रो स्टेशन है सिर्फ 600 से 500 मीटर की दूरी पर। अब एक गाँव है सेंदुल्ला जाब, जी हाँ गाइस, तो इसी के अंदर हमें जाना है, इसी के अंदर जो है चंपा गली है। तो मैं चंपा गली के अंदर आ चुका हूँ और आप यहाँ से देखेंगे तो चंपा गली स्टार्टिंग होती है। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो काफी लाइटिंग वगैरह है और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसे बार हो गया, कैफे हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, काफी एक्सपेंसिव यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलो फटाफट सब अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ का क्या माहौल है। तो आपको मिल जाता है वैन साहब कॉफी देखने के लिए, आप यहाँ पर आएंगे तो कॉफी वगैरह पी सकते हैं। अभी चंपा गली के नाम से कैफे जस्ट थोड़ा सा आगे आएंगे, तो मैं अभी आगे आया, मैंने कि चलो भाई ये भी आपको दिखाऊं, तो देख सकते हैं यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। देखेंगे भी द गोट आपको एक कैफे मिल जाता है जो कि काफी खूबसूरत है। तो यहाँ पर मुझे एक मैम मिली है, चलिए इनसे बात करते थोड़ा और पूछते इसके बारे में। हेलो मैम कैसी हो आप? अच्छा अच्छा, ये बताइए अगर इसके अंदर कोई आना चाहेगा खाने पीने के लिए, कपल्स हो या सिंगल हो या फैमिली के साथ में, तो एंट्री वगैरह फीस पैसे वैसे जाते हैं या फिर फ्री में आ सकता है? सर आप ऐसे फ्री है, एंट्री का कुछ साधन नहीं है, आप अच्छा एंजॉय कर सकते हैं, लाइव म्यूजिक भी होते हैं शाम को, तो लाइव म्यूजिक भी देख सकते हैं। अच्छा वरना डांस वगैरह करके एंजॉय भी कर सकते हैं, फैमिली के साथ खा पी के सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या क्या मिल जाता है आपके कैफे के अंदर खाने के लिए? यहाँ पे चाइनीज है, नॉर्थ इंडियन है, कॉन्टी है, तंदूर है, मतलब मल्टी कुछ है। अच्छा अच्छा, ओके थैंक यू सो मच। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर ये मैम आपको मिलेंगी, जैसे ही आप जस्ट आओगे तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर यहाँ से सीधा एंट्री करेंगे। तो आप जैसे कि देखेंगे मैं अभी जस्ट अंदर आ चुका हूँ, यहाँ का भाई कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं काफी अच्छी यहाँ पर आपको फैसिलिटी मिल जाती है। और आप जस्ट इधर की तरफ देखेंगे तो आप डांस वगैरह भी यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आप खा पी सकते हैं, सारा कुछ आपको मिल जाता है ये देख रहे होंगे। और यहाँ पर जो है आपको काउंटर है, यहाँ पर मिल जाता है आपको भाई, यहाँ पर आपको पैसे वगैरह जमा करने होते हैं जब आप सीधा एंटर करेंगे। आप देखेंगे तो अभी मैं जस्ट बाहर की तरफ से आया हूँ, ये देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। आप देखेंगे यहाँ पर जो है जनता बैठ के खा सकती है, पी सकती है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर इन लोगों ने दे रखी है, ये देख रहे होंगे आप, ये देखिए
मतलब काफी अच्छा बना हुआ है यार रेस्टोरेंट, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये देखिए, तो यहाँ पर आप बर्थडे वगैरह या छोटी छोटी पार्टी जो होती है वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफी अच्छी फैसिलिटी अंदर भी, काफी अच्छी फैसिलिटी इन लोगों ने दे रखी है। जैसे कि आप देख रहे होंगे अभी मुझे मैम ऊपर की तरफ लेके जा रही है, भाई ऊपर के भी आपको दिखाता हूँ यहाँ का, ये देख सकते हैं यहाँ पर म्यूजिक वगैरह भी चालू है, ये देखिए भाई जस्ट यहाँ से आप जाएंगे अंदर की तरफ। हेलो, चलो 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 भाई देखो, मतलब काफी खूबसूरत बना हुआ है, मैम ने मुझे हर जगह घुमा दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं भाई यहाँ पर आप फोटो शूट वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर फोटो वगैरह शूट वगैरह सब होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऊपर भी है, चलिए चलिए ऊपर का भी आपको दिखा देता हूँ भाई, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये देखिए, जस्ट यहाँ से आप आएंगे तो ऊपर भी जा सकते हैं। चलो भाई ऊपर का भी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए वाओ वेरी नाइस सो ब्यूटीफुल। तो भाई जैसे कि आप देखेंगे भाई जस्ट आप गोट के अंदर आएंगे तो ऊपर का कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि देख सकते हैं काफी खूबसूरत है। बट आज जो संडे है, संडे में थोड़ा क्राउड मुझे कम नजर आ रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि आज भाई दो से है ना। अच्छा भैया दो बजे, अच्छा 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 अच्छा, आज भैया दोस्त की वजह से जो है भाई क्राउड वगैरह कम है। सैटरडे में मैंने सुना यहाँ पर क्राउड ज्यादा रहता है। अच्छा अच्छा, तो गाइस आप देखेंगे यहाँ पर आप खा पी सकते हैं, आपको हर एक चीज यहाँ पर मिल जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं फैसिलिटी काफी अच्छी इन लोगों ने देके रखी हुई है यहाँ पर, ये देखिए भाई ये देखिए चारों तरफ आपको अच्छी अच्छी टेबल्स वगैरह लगी हुई मिल जाती हैं। आप उधर देखेंगे तो वहाँ भी आप फैमिली हो, कपल्स हो या सिंगल हो, आप यहाँ पर आ सकते हो और खा पी सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ये नज़ारा है भाई ऊपर का, ये देखिए अच्छा अच्छा। ओके थैंक यू सो मच, क्या नाम होगा आपका? मनीला। मनीला, ओके थैंक यू सो मच, काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर। जैसे कि देख रहे हैं मुझे यहाँ पर एक मैम मिली, उन्होंने मुझे यहाँ के बारे में पूरी जानकारी दी, अगर आप यहाँ पर आते हो तो इस कैफे के अंदर एनिवर्सरी हो गई या छोटे छोटे बर्थडे वगैरह छोटी पार्टीज वगैरह जो होती है आप यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि भाई यहाँ की जो फैसिलिटी है ना बहुत ही अच्छी लगी मुझे, डेकोरेशन देख के आप लोग देख रहे होंगे काफी अच्छी और खूबसूरत है, टेबल्स वगैरह आपको चारों तरफ मिल जाते हैं लगे हुए। अभी जो है भैया दोस्त की वजह से यहाँ पर जो क्राउड थोड़ा कम नजर आ रहा है, और आज संडे भी है, संडे में थोड़ा क्राउड वगैरह कम होता है, एक्चुअली में क्या है सैटरडे में जो यहाँ पर क्राउड बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे कि आप मेरे चारों तरफ देख रहे होंगे काफी अच्छी फैसिलिटी है, मैंने आप सभी को अच्छी तरह से यहाँ का दिखाया। चलो इसका एक गेट और है, वो भी आपको बाहर से दिखाता हूँ, ये भी इसकी दूसरी तरफ आ चुका हूँ, ये है द गोट, ये देख रहे होंगे यहाँ से भी आप सीधा अंदर एंटर कर सकते हैं। जैसे कि मैम बता रही थी हमारा जो दूसरा भी गेट है, तो देखिए वहां से आया था कि इनका काफी अच्छा रेस्टोरेंट है, तो अगर आप आते हैं भाई इसके कैफे के अंदर तो आप जो है विजिट कर सकते हैं इसको, ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है लोग भी आते हैं भी काफी यहाँ पर। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक कैफे और मिल जाता है, तो यहाँ पर मुझे भैया मिले, चलो भैया से थोड़ा सा बात करते हैं। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? अच्छा, थोड़ा बताइए आपके कैफे की खासियत वगैरह क्या क्या है, अगर कोई यहाँ पर आना चाहे तो कपल्स या फैमिली वगैरह या कोई सिंगल बंदा तो कैसे कैसे एंट्री? अच्छा अच्छा, अच्छा एंट्री वगैरह सब फ्री होगी? सारा एंट्री फ्री है। अच्छा चार्जेस कोई नहीं है। अच्छा थोड़ा अंदर चलते और आपको दिखाते हैं, जैसे कि आप देख रहे काफी खूबसूरत बने हुए हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको लाइव म्यूजिक वगैरह भी सुनने के लिए मिल जाता है, ये देखिए भाई मतलब यार काफी खूबसूरत यहाँ के बने हुए हैं कैफे, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी ये जस्ट अंदर एंटर करते हैं, ये देखिए। अच्छा यहाँ पर बैठने के लिए सुविधा है, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है आप खा पी सकते हैं, यहाँ पर आपको जो भी आप ऑर्डर देंगे टेबल्स वगैरह आपको मिल जाती है, काफी अच्छी सुविधा है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए। अच्छा हाँ हाँ, चलो अभी और भी जस्ट ऊपर चलते हैं भाई, रास्ते यहाँ के बहुत अच्छे अच्छे बने आ रहे भाई, यहाँ पर जो कपल्स वगैरह बैठ सकते हैं, यहाँ पर खा पी सकते हैं, यहाँ पर जैसे भैया ने बताया देख सकते हैं टेबल्स वगैरह काफी अच्छी लगी हुई हैं। तो यहाँ पर एंजॉय के साथ साथ में आपको म्यूजिक सुनने के लिए भी मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं भैया यहाँ पर एक म्यूजिक गा रहे हैं जो भी काफी लाजवाब आवाज लग रही है, तो चलो इनकी थोड़ी आवाज आपको एंजॉय कराता हूँ। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तेरी समस्या तेरे मैं तुझको भूलना चाहता।
ये तू कभी सोच ना सकी कि तू कितना चाहता हूँ, ये तू कभी सोच ना सकी। भैया की आवाज ने दिल जीत लिया है, काफी अच्छी और सुरीली आपकी आवाज लगी, थैंक यू सो मच। क्या नाम होगा आपका? राहुल। अच्छा ये बताइए आप राहुल भाई, सिंगिंग कितने साल से कर रहे हैं? भाई मेरे को हो गया लगभग 10 साल हो गए, 2014 से कर रहा हूं। 2010 से कर रहे हैं? 2014 से। 14 से, यानी के पूरे 10 साल हो गए। ओ भाई इतना स्ट्रगल अभी अच्छा अच्छा अभी कहीं आगे जाने की तैयारी है या नहीं? कोशिश है? नहीं कोई नहीं यार, कोशिश में लगे रहिए, कोशिश कभी हार नहीं होती। आप एक दिन बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि आपकी आवाज है ना अरिजीत सिंह की तरह बिल्कुल दिल चीर दिया बिल्कुल। ओके थैंक यू सो मच, एक बार हाथ और मिला लीजिए आप। ओके तो भाई सिंगिंग वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाती है, अच्छी से अच्छा आपको यहाँ पर खाना पीना मिलेगा, फैसिलिटी काफी अच्छी लगी मुझे यहाँ पर। चंपा गली की एक खासियत है सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। चलो अभी तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाता है जो कि चारों तरफ आपको कैफे कैफे नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर जो है काफी क्राउड वगैरह भी होता है। चलो अभी जस्ट और भी आगे की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं भाई यहाँ पर और कहाँ कहाँ कैसा क्या माहौल है रात का यहाँ पर, कैसे कैसे आपको कैफे देखने के लिए जैसे ही मिलेंगे। तो आप देखेंगे भाई अभी जस्ट मैं इसके अंदर जा सकता हूँ, ये देख रहे होंगे काफी खूबसूरत कैफे बना हुआ है, तो यहाँ पर आप सेल्फी पॉइंट बना हुआ, आप सेल्फी वगैरह भी ले सकते हैं, जस्ट ये देख सकते हैं यहाँ का। भाई देखो अगर आप कुछ एस्थेटिक वाइब लेना चाहते हो कि आप दिल्ली में गोवा जैसी वाइब चाहते हो, अच्छा भाई चंपा गली आ जाओ, यहाँ पे ना आपको ऐसा फील होगा ना जैसे हम गोवा में जो बीच है ना, हाँ हाँ पूरा यहाँ पे देखो चारों तरफ यहाँ पे कैफेज कैफे जो एक से एक बढ़िया रूफ टॉप कैफे है, आपने पूरी दिल्ली अंसर में कहीं नहीं देखोगे जो ऐसे कैफे है यहाँ पर। अच्छा रियली भाई यू कैन सी, अच्छा अच्छा और आपको फील होगा आपकी गर्लफ्रेंड है भाई लेके आओ ना, सच में भाई अच्छा गर्लफ्रेंड को भी लेके आ सकते हैं, अच्छा अच्छा ओके थैंक यू सो मच, काफी अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, एक बार हाथ मिला लीजिए। ओके ओके थैंक यू। ऐप जैसे ही जस्ट देखेंगे अभी मैं सीधा अंदर चल रहा हूँ भाई, आप देख रहे होंगे बिल्ला भाई ये कैफे है काफी खूबसूरत है बाहर से आप देखेंगे नजारा, अभी जस्ट मैं अंदर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसके अंदर का नजारा। तो चलिए भाई यहाँ से सीधा आप एंट्री करेंगे और जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक सेल्फी पॉइंट मिल जाता है जो कि आप सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। तो अभी मैं जस्ट ऊपर की तरफ चल रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ की खूबसूरती काफी अच्छी बनी हुई है, जैसे कि आप देख रहे होंगे आप जस्ट अंदर भी जा सकते हैं, आप खा भी सकते हैं अंदर। तो ऊपर चलते और आपको दिखाते हुए यहाँ की जो काफी फैसिलिटी है आप देख रहे होंगे काफी अच्छी। मैं ऊपर आ चुका हूँ और आप ऊपर का नजारा देखेंगे तो काफी अच्छा और खूबसूरत यहाँ का नजारा देखने के लिए मिल रहा है। और जस्ट यहाँ पर हेलो हाय कैसी हो? अच्छा रियली बस बढ़िया, आप कैसे हो? रियली वो वीडियो देखती हो मेरी? अरे वाह 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 अच्छा थैंक यू सो मच, काफी अच्छा लगा मुझे आपसे मिल गया। अच्छा यहाँ पर आप घूमने के लिए आई चंपा गली, तो कैसा लगा आपको घूम के यहाँ पर? थोड़ा तेज आवाज निकालो, म्यूजिक ऑन है यहाँ पे अच्छा ओके थैंक यू। तो गाइस जैसे कि आप देखेंगे भाई यहाँ पर काफी दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए, तो कुछ यहाँ का ये नजारा आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, आप ये देखिए यहाँ पर आपको एंट्री काउंटर मिल जाता है, जैसे मैम खड़ी हुई है ये देख सकते हैं, ये देखिए इधर आप कार वार से आते हैं तो इधर आप पार्किंग ले सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर जितने भी लोग घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ पर आपको पार्किंग वगैरह मिल जाती है, यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर काफी क्राउड वगैरह मैं देख रहे हूँ यहाँ पर आप देखेंगे तो कैफे आपको यहाँ पर बड़े बड़े मिल जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ से सीधा अंदर एंटर कर सकते हैं। जस्ट अभी मैं इधर की तरफ घूम रहा था, मैंने कहा चलो भी आपको सारा कुछ दिखाता हूँ, तो अभी मैं जस्ट आगे की तरफ जाऊंगा तो देख सकते हैं यहाँ से भी आप काफी लाइटिंग वगैरह यहाँ से सारी स्टार्टिंग होती है। तो चलो सीधा अंदर चलते हैं और आपको यहाँ का दिखाते हैं भाई, ये देखिए यहाँ पर आपको कॉफी वगैरह सारे कुछ बड़े बड़े मिलेंगे और देख सकते हैं कैफे दोस्त, यानी कि दोस्तों का मुझे ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर मुझे भैया से मिल चुके हैं जो कि एंट्री गेट पर बैठे हुए हैं, तो इनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसके बारे में पूछ लेते हैं। भैया अपने कैफे की थोड़ी खासियत बताइए, क्या क्या है इसके अंदर? अगर यहाँ पर कपल्स वगैरह आते हैं तो क्या आ सकते हैं? अच्छा कोई बंदा अगर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आए तो? सर उसके लिए हम प्राइवेट स्पेस भी करवा देते हैं। अच्छा हो जाता है? हाँ जी। सारी सुविधा है इसकी? जी सर। अच्छा अच्छा चलिए बहुत बढ़िया, क्यूजीन्स
है, इटालियन, कॉन्टिनेंटल, मैक्सिकन, चाइनीज क्यूजिन सर्व करते हैं। हमारी जो बेस्ट डिशेज होती है उसमें हमारा पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता, एक्स्ट्रा वेगेंजा पिज्ज़ा, वेज लजानिया, नॉन वेज लजानिया, मैक्सिकन में सर हमारा कैसेडिला, ये हमारी जो है सिग्नेचर डिशेज है हमारे कैफे। अच्छा चलिए भाई थोड़ा अंदर चलते हैं और आपको कैफे दिखाते हैं भाई का। ये देख सकते हैं यहाँ पर कैफे दोस्ती लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ से सीधा एंट्री गेट होता है, ये देख सकते हैं। आज थोड़ा क्राउड वगैरह कम है इसलिए क्योंकि भाई भैया दोस्त भी चल रहा है तो उसकी वजह से क्राउड वगैरह आपको कम नजर आ रहा होगा। तो आप देख लोगे रिसेप्शन आपको मिल जाता है, ये देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो सिक्योरिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छी मिलती है यहाँ पर, प्राइवेसी, ये देख सकते हैं। यहाँ पर कपल्स वगैरह हो या किसी के भी साथ यहाँ पर आप आ सकते हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पर टेबल्स वगैरह आपको मिल जाती हैं, ये देखिए भाई। तो देख रहे होंगे आप यहाँ पर, ये देखिए। तो अंदर का कुछ ये नज़ारा है कैफ़े का जो कि काफ़ी खूबसूरत है, ये देखिए। ओके थैंक यू सो मच, आपने अपना कैफे दिखाया। तो प्राइवेट वगैरह भी यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती हैं ना। ओके देख रहे मेरे पीछे ये है जगमग ठेला कैफे जो कि यहाँ का चंपा गली का सबसे पहला कैफे है। जी हाँ, जैसे कि मैंने इसके बारे में सुना है, मैं आप सभी को बता दूँ इस चंपा गली को इसी कैफे ने बनाया है। इस पूरे जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कि काफी खूबसूरत बना हुआ है सब इसी की बदौलत है। जी हाँ, तो अभी मैं जस्ट इसके अंदर जाऊंगा और इसका अंदर का भी आपको सारा सीन दिखाने वाला हूँ, कैसा बना हुआ है सारा कुछ अच्छी तरह से दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं जगमग ठेला के अंदर। देख रहे होंगे भाई जगमग ठेला लिखा हुआ है सामने, अभी मैं जस्ट इसके अंदर की तरफ आ चुका हूँ और जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पर काफी अच्छी जो है भाई लाइटिंग वगैरह भी लगी हुई है चारों तरफ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सारे एंट्री गेट वगैरह ये आपको मिल जाता है। तो जस्ट अभी हम आगे की तरफ चलते हैं और आपको यहाँ का जैसे कि आप देख पा रहे हैं भाई, ये देखिए मतलब काफी अच्छी लाइटिंग वगैरह यहाँ पर लगी हुई है जैसे कि आपकी जो जानकारी देने वाले ये भाई देने वाले मुझे। चलो अभी जस्ट अंदर चलते हैं, ऑलरेडी काफी सारी चीजें देख ली हैं। अच्छा आप लोगों के लिए जो भी स्पोर्ट्स मैन होते हैं, चलो चलो जिनको खेलना पसंद है, हाँ हाँ पब के साथ, अच्छा अच्छा सबके लिए ये बेस्ट प्लेस है, आप लोग यहाँ पे खेल भी सकते हैं। अच्छा हमारे पास यहाँ पे पूल है, तो जैसे कि देख रहे हैं काफी फैसिलिटी है और काफी अच्छी डेकोरेशन यहाँ पर होके रखी है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर आप झूला वगैरह भी ले सकते हैं यहाँ से जो है आप देख सकते हैं, ये देखिए भाई। तो अभी जस्ट मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा और ऊपर का भी आपको दिखाने वाला हूँ, ये देखिए भाई। तो यहाँ का जो है आप यहाँ पर सेल्फी वगैरह भी ले सकते हैं, यहाँ पर ये पूरा सेल्फी पॉइंट बना के रखा हुआ है इन लोगों ने जैसे कि आप देख पा रहे हैं भाई, ये देख सकते हैं यहाँ पर काफी अच्छी फैसिलिटी है, ये देखिए। अभी मैं चंपा गली के अंदर से बाहर आ चुका हूँ, जैसे कि आप देख रहे ये मेरे पीछे चंपा गली, फटाफट से यहाँ से घर की तरफ चलते हैं भाई, काफी रात हो चुकी है यहाँ पर घूमते घूमते। और जैसे गाइस आज के ब्लॉग में मैंने आप सभी को यहाँ की चंपा गली दिखाई भी जो कि दिल्ली की फेमस है, साकेत में अपने पड़ती है, और यहाँ के कैफेज वगैरह आप सभी को दिखाए, यहाँ पर लोगों से बात करी, यहाँ पर जो भी सारी फैसिलिटी होती है अच्छी तरह से और बारीकी से आप सभी को दिखाया और उनसे बात भी कराई। तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो भाई एक लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना दोस्तों में भी, ताकि आप देख रहे हो तो आपके दोस्त भी देख रहे हैं। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ओके लव यू टेक केयर बाय। देखा तेनू पहली पहली बार वे होने लगा।